गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंडस हाईवे। ये माइलेज बता रही है यहाँ से 7 है 33 किलोमीटर और भाण सईदाबाद है 8 किलोमीटर। अभी हम ना 7 जा रहे हैं बल्कि भाण से थोड़ी देर बाद हम 7 एयरपोर्ट से राइट लेंगे इस साइड पे और आपको लेके जाएंगे मंचर लेक। अगर आप दादू से 7 की तरफ जा रहे हैं और आपने मंचर लेक देखनी है तो इस रास्ते से आप राइट ले लें ताकि आप ज्यादा देर तक मंचर लेक का व्यू एंजॉय कर सकें। ये लिखा हुआ है गोट हाजी कादिर बख्श भलाई, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह का एक थर दीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का बोर्ड लगा हुआ है। एक रास्ता आगे से भी जाता है, आगे चल के 7 शरीफ एयरपोर्ट आएगा और वहां से भी राइट साइड पे जाएगा, लेकिन ये जो रास्ता है ये आपको बिल्कुल जहां से मंचर लेक शुरू होती है वहां से लेके फिर अप टू द वे ऑल द वे टू 7 लेके जाएगा। तो मैं इस रास्ते पे राइट लेने लगा हूं और यहां से राइट लेके फिर इस नुक्कर से शुरू करेंगे और उस किनारे तक हम मंचर के जाएंगे। ये गोठ को रास्ता जाता लिखा गोठ रईस नंगर खान बिरोही 5 किलोमीटर पारा रईस लुत्फुल्ला बिरोही। ये जो रास्ता जा रहा है गोठ नंगर खान बिरोही को, इस रास्ते पे आपने लगना है और ये आपको सीधा मंचर लेक की नुक्कर पे लेके जाएगा जहां से मंचर लेक बिल्कुल शुरू होती है। इस रास्ते की खास बात ये है कि यहाँ पे इस साइड पे रनवे है 7 शरीफ एयरपोर्ट का, ठीक है। तो जाते हुए हम आपको वो भी दिखाएंगे और उसके साथ फिर आगे मंचर लेक का नजारा भी कराएंगे। ये जो साइड है इस वक्त मैं यहाँ पे एयरपोर्ट के जो रनवे है उसके बिल्कुल पैरेलल आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं खड़ा करके कोशिश करूंगा अगर ड्रोन ने यहाँ से टेक ऑफ किया तो आपको टेक ऑफ करके दिखा दूं अगर प्रोहिबिटेड जोन नहीं आ रहा, क्योंकि ये एयरपोर्ट आजकल नॉन फंक्शनल। इसी रास्ते पे जब आप आगे आएंगे तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर तो आपको दो गांव आएंगे। एक गांव को आपने राइट से क्रॉस करना है, वो मैं पीछे कर आया हूँ, वहां पे खवातीन थी लिहाजा मैंने मकामी अकदार को रेन में रखते हुए वीडियो नहीं बनाई। और ये दूसरा गाँव है गोठ इसको बोलते हैं, इसको आपने लेफ्ट से क्रॉस करना है। पहले वाला राइट से उसका बाईपास बना हुआ और ये वाला लेफ्ट से, और वो सामने आपको ये जो एक दो सेकंड खंबे के बाद आप आगे देखे ना तो आपको एक दीवार सी नजर आ रही है ऊंची गांव के उस पार, वो बेसिकली बंद है, प्रोटेक्टेड बंद है मंचर लेक का, आपने उस पे लग लेना है और फिर चल सो चल एक सफर है लामुतनाई। ये आगे जो आपको स्लोप नजर आ रही है ऊपर जाती हुई, ये मंचर लेक के बंद पे ही जाती है और ये जो आपको इस साइड पे पानी नजर आ रहा है ये बुनियादी तौर पे सीपेज का पानी है दोनों साइड्स पे, वो क्योंकि हाइट पे है तो हाइट से फिर पानी सीपेज करके इस साइड पे आ जाता है। हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज मंचर लेक के ऊपर पहुंच गए हैं और ये जैसे ही हम इस बंद के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको उस साइड पे एक फ्रेश वाटर लेक नजर आएगी जो कहीं से भी समुंदर से कम नहीं है। हेयर वी हैव रीच्ड मंचर लेक। अब आगे जो है आपको ड्रोन के थ्रू, तो ये है जनाब मंचर लेक, इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। अभी धुंध है, मैं इसके बंद के ऊपर चल रहा हूं, ये जिधर आगे आपको पानी पानी नजर आ रहा है ना इसके उस तरफ कीर्थर माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो कीर्थर माउंटेन से पानी आता है और वो आके इस वाटर लेक को इनअंडेट करता है और इसका जो एरिया है आप यहां से समझे कि जिस तरफ मेरा रुख है, मैंने यहां से 7 शरीफ जाना है तो 7 शरीफ जो है वो यहां से 18 किलोमीटर है, नंबर एक। नंबर दो, इसका जो अपना एरिया है अगर मैं आपको अंदाजन बताऊं तो 36 स्क्वायर किलोमीटर है मिनिमम एरिया इसका होता सर्दियों में, 36 स्क्वायर किलोमीटर। और ज्यादा से ज्यादा जो इसका एरिया है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है वो 500 किलोमीटर स्क्वायर है, 500 मुरब्बा किलोमीटर, इतनी बड़ी लेक है। और फिर अभी ये जैसे आपको आगे से पंछी भी नजर आ रहे हैं, साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे लातादाद आते हैं सर्दियों के सीजन में। अभी मिड ऑफ जनवरी है तो ये देखिए मिड ऑफ जनवरी में बारिशें भी उस तरह से आप समझेंगे, पहले बारिशें थोड़ी सी हुई थी, बाकी इसमें तो पानी आता है समर्स में
तो अभी इस वक्त ये मुकम्मल दूर दूर तक हद्दे निगाह तक जहां जहां आप देख सकते हैं ना, इसमें पानी ही पानी है। ये जो आगे आपको एक सिटी नजर आ रहा है, इसको कहते हैं बूबक। और बूबक जो है उसकी एक खास स्पेशलिटी है, वो मशहूर है यहाँ की, और उसको बोलते हैं कैनिबन, CANNIBAN कैनिबन। अब ये क्या है कैनिबन, ये आपने मुझे, अब मेरी थोड़ी सी स्माइल आ रही है, थोड़ी सी मेरी हंसी आ रही है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। आपने गूगल करना है कैनिबन, और आपने देखना है कि कैनिबन किस चीज को कहते हैं, वो यहाँ की मशहूर है। तो आप अगर कभी यहाँ पे आए तो आपने जरूर चेक करना है कि आप मंसर आए हैं, बाबा बूबक देखना है, तो बूबक से ये चीज कहाँ से मिलेगी। बाकी अब अल्लाह बेहतर जाने ये बात सच है या झूठ है, लेकिन कैनिबन जो है वो यहाँ की काफी मशहूर है। आई कैन सी अ लॉट्स ऑफ बोट्स, फिशरमैन आगे बहुत सारे अंदर हैं जो के मतलब फिश को पकड़ने का जो अपना रोजी रोटी का सिलसिला है वो जारी रखे हुए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी समंदर नुमा झील जो है वो यहाँ पे बनी कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये मछेरे देख लें जो अपनी मछलियां पकड़ रहे हैं, तो ये मछलियां पकड़ने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको जरा दिखा दूं। अदा छाला खुश आयो, तबीयत तो ठीक है, मच्छी आहे आजकल या कोने, खत्म है सफा, पानी ते इलाही है, ढंड ते भरे अल्लाह, बिल्कुल मच्छी ना है सफा। हाँ इो आनी पानी कड़े ते इरांदो केड़े महीने ताई, उनारे सुकाइंदा न पाने, छो भला पाने सो छिकाइंदा न। हाँ डांड आने सफा भरे अला आग ताई सफा सनड़ी। तो ये कह रहे थे कि जी मछली जो है ना वो बिल्कुल है ही नहीं इसके अंदर, मछली बिल्कुल खत्म हो गई है, और हम जो है ना वो बस छोटी छोटी मछलियां जो है वो पकड़ रहे हैं। तो मुझे वैसे इनकी ये बात जो है ना कोई हजम नहीं हुई कि इतना ज्यादा पानी है। मैंने उनसे पूछा भी है, मैंने कहा ये झील तो बिल्कुल भरी हुई है, सिंधी में मैंने उनसे पूछा है कि झील तो मुकम्मल भरी हुई है, तो आप कह रहे हैं कि पानी मछली कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी पानी देर से आया है तो उस वजह से मछली नहीं है, और अब वल्लाह वालम मैं तो इस बारे में कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी झील जो है वो यहाँ पे बनी कैसे, तो उसका जवाब ये है कि जरखेज जमीनें कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता उसे कहना, कुछ लोग सफर के लिए मौजूद नहीं होते, कुछ रास्ते कटते नहीं तन्हा उसे कहना। तो जरखेज जमीनें जो है ना वो बंजर नहीं होती, दरिया अपना रास्ता बदलता रहता है, दरिया की मर्जी है। तो किसी जमाने में दरियाए सिंध जो है उसका रूट ये हुआ करता था, दरियाए सिंध कश्मीर से ऊपर से होके कंबर शहदाद कोट से होके गुजरता था, जहां पे आज भी हमल लेक है, उसी रास्ते में आगे से नारा वैली ड्रेन जो है उसी रास्ते से होके ये फिर आगे यही वाला रूट हुआ करता था दरियाए सिंध का, और फिर आगे ये लेक भी आगे सिंध में ही जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि दरिया जब इधर से गुजरता था, फिर दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया, ये नीची जगह थी, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, और पीछे कंबर शहदाद कोट में एक हमल लेक है, वहां पे पानी इकट्ठा हो गया। तो उस पानी के इकट्ठे होने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिर ये बंद बना, काफी सारे बोट हाउसेज नजर आ रहे होंगे, ये सारी की सारी बोट्स हैं, और ये एक बोट में एक फैमिली रहती है पूरी, ये इस पानी के अंदर ही रहते हैं, इनका घर भी अंदर है, इनका किचन भी इसी में है, इनका बेडरूम भी इसी में, इनका सब कुछ इसी में है, इनकी सारी जिंदगी इसी में ही है, इन्होंने यहीं पे रहना है इसके अंदर ही। ये बोट्स फिर आगे पीछे चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, जहां कहीं पानी होता है फिर ये उधर लेके इसको चले जाते हैं। ये पूरी एक बस्ती आबाद है इसके अंदर, और ये सारी की सारी बोट बस्ती है, और ये बोट बेसन आप इसको कह लें। ये इधर परिंदे बैठे हुए हैं, ये बगले बड़े बड़े बतखे पकड़ने वाले, अपना पकड़ने वाले बतखे कह रहा हूँ, ये डकॉयज बेसिकली उन्होंने लगाए हुए हैं, ओरिजिनल नहीं है बट ये डकॉयज हैं। तो मैं भी अभी देख के मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये तो कहीं से ओरिजिनल लग रहे। तो ये जो है ना जी ये फिशरमैन है सारे के सारे,
और ये फिशरमैन जो हैं ये यहाँ पे आके फिर अपने इन्होंने बोट हाउसेस बनाए हुए हैं। ये देखे ये डकॉयज लगाए हुए हैं, पहले मैं भी देखा कि ये ओरिजिनल है बट दीज आर डकॉयज, और वो डकॉयज जो है वो फिर लगाए हुए हैं ताकि साइबेरियन बर्ड्स आएंगे एंड देन दे पीपल विल शिकार दें। आपने कभी झील पे ऑफ रोडिंग की है? मैंने की है, ये देखे 60 की स्पीड है मेरी गाड़ी की और झील का बंद है तकरीबन कोई 30-40 फुट ऊंचा और धड़ा धड़ जो है वो गाड़ी भाग रही है। नाउ आई एम क्रूजिंग एट 80, ठीक है। तो आप अगर इधर आ रहे हैं तो गाड़ी की आपने फिक्र नहीं करनी है क्योंकि जो बंद है वो उसकी फोर्टिफिकेशन बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, तो आप गाड़ी आराम से यहाँ पे 60 की स्पीड पे तो आप आराम से चल रहे हैं, ऑल दो आई एम ट्रेवलिंग बिटवीन 60 एंड 70। नाउ आई एम क्रूजिंग एट 90 एंड गोइंग टू 100 नाउ। सी क्रूजिंग एट 100 एट मंचल लेक, हियर वी गो। मंचर का जो हमारा सफर है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ, ये मंचर का एंड है और यहाँ से मंचर के फिर दोनों किनारों को मिला के ये एक नहर निकाली गई है कि जब मंचर ओवरफ्लो करता है तो ये सारे का सारा नहर जो है पानी जो है ये नहर उठा के इसको ले जाके फिर दरियाए सिंध में डालती है। ये नहर 7 के ऊपर से क्रॉस करके दरियाए सिंध में जाके गिरती है और अगला जो हमारा सफर है वो सूफीज्म की जमीन मंचर की तरफ है, सॉरी 7 की तरफ है। तो अगली डेस्टिनेशन जो है वो हम आपको लेके जा रहे हैं लाल शहबाज कलंदर के मजार पे, द लैंड ऑफ द मिस्टिक लैंड ऑफ सूफीज्म 7 शरीफ।